नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस दौरान अदालत ने एकनाथ शिंदे के वकील से पूछा कि आखिर इस मामले में पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इस पर शिंदे के वकील ने कहा है कि ये मामला गंभीर है और विधायकों को मारने तक की धमकियां मिल रही है, इसलिए हमने शीर्ष अदालत का रुख किया है। वकील ने कहा है कि अदालत चाहे तो फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकती है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को पत्रा चौल जमीन घोटाले के केस में समन भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्यसभा के सदस्य राउत से कहा गया है कि वो 28 जून को दक्षिण मुंबई में स्थित एजेंसी के दफ्तर में उनके अधिकारियों के सामने पेश हो और धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपना बयान दर्ज कराए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया है। उन्होंने कहा है कि बजट में 1 जुलाई से प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही किसानों के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी जारी रखेगी। बजट में सरकार ने मुफ्त बिजली के लिए 6,947 करोड़ का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच पहली बार भाजपा ने सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। शिवसेना में बड़ी टूट होने और 40 से ज्यादा विधायकों के गुवाहाटी में बैठे होने के चलते राज्य में सरकार के अस्थिर होने का खतरा है। भाजपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले और इस संकट में अपना हाथ होने की बात से इनकार किया है। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने रविवार को साफ संकेत दे दिए हैं कि भाजपा इस घटनाक्रम को लेकर एक्टिव है और सरकार भी बना सकती है। भारतीय वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इसके खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के एक हफ्ते बाद शुक्रवार को शुरू हुई थी। वायुसेना ने रविवार को ट्वीट किया 56,907 ये अग्निपथ भर्ती आवेदन प्रक्रिया के जवाब में वेबसाइट पर भविष्य के अग्निपथ से अब तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या है। पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक और एनसीपी के लीडर शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता उसमें साथ मौजूद थे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और टीएमसी के सुधींद्र कुलकर्णी समेत कई अन्य विपक्षी नेता मौजूद थे। कांग्रेस के राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मौके पर थे, जो राहुल गांधी के बगल में बैठे नजर आए। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर में पत्रकार राणा अयूब के अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी है। ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत हुई है। अयूब ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर नोटिस पोस्ट किया और कहा कि हेलो ट्विटर, आखिर ये है क्या। अयूब ने जो नोटिस शेयर किया है उसमें लिखा है कि भारत के स्थानीय कानून के तहत दायित्वों का पालन करते हुए हमने भारत में इस अकाउंट पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई देश के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत हुई है। वयस्कों की तरह बच्चों में भी कोविड के कुछ लक्षण लंबे समय तक बने रहने के जिक्र को करते हुए विशेषज्ञों ने रविवार को कहा है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हालांकि उन्होंने शुरुआती दौर में ही इलाज की आवश्यकता पर बल दिया। लासेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित बच्चों में कम से कम 2 महीने तक कोविड के लक्षण बरकरार रह सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को ऐलान किया है कि देसी गाय की खरीद पर सरकार 25,000 रुपए की सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस किसान के पास 2 से 5 एकड़ तक की जमीन हो और वो सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो और अगर वो अपने मन से नेचर फार्मिंग चुनना चाहे तो उसे देसी गाय खरीदने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सम्राट पृथ्वीराज देखी। इस दौरान सीएम योगी पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार की एक्टिंग और फिल्म की तारीफ करते नजर आए। इसके बाद उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी नितिन गुप्ता को CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के IRS अधिकारी हैं और बोर्ड में सदस्य जांच के रूप में कार्यरत हैं और अगले साल सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने से संबंधित मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार की याचिका पर 28 जून को सुनवाई के लिए सहमति जताई है। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को होने वाले खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वो मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट फैंस को बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली है। आलिया भट्ट मां बनने जा रही हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसे देखकर फैंस के चेहरे खिल सकते हैं। आलिया भट्ट ने सोमवार को 2 तस्वीर शेयर की जिसमें वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं। वहीं आलिया के साथ उनके पति रणबीर कपूर कैप लगाए हुए बैठे हैं। दोनों सामने अल्ट्रासाउंड की मशीन की तरफ देख रहे हैं जिसमें हार्ट बना हुआ है।
महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उधर उद्धव ठाकरे सरकार ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, आप हमारे साथ बने रहे, इस तरीके की बातें कही गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार 27 जून को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अपने नामांकन दाखिल करने के दौरान संसद भवन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और विपक्ष के अन्य नेता मौजूद रहे। हालांकि नामांकन दाखिल करने के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी मौजूद नहीं रहे। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद रहे और वहीं पर मारे गए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का शनिवार की रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो 60 साल की थी। उनका अंतिम संस्कार पंजाब के तरन तारण शहर में और गांव भीखीविंड में किया गया। दलबीर के निधन की खबर सुनते ही एक्टर रणदीप हुड्डा तुरंत सब कुछ छोड़कर मुंबई से रवाना होकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रणदीप ने दलबीर कौर के शव को कंधा और मुखाग्नि दी। निर्देशक रजत कपूर, एक्ट्रेस मल्लिका शरावत स्टारर फिल्म आर के ए वाई एक अनोखी कहानी लेकर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रजत कपूर की फिल्म आर के ए वाई के रिलीज में एक महीना बाकी है, लेकिन इस कॉमेडी को पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में दिखाया और सराहा जा चुका है, जिसमें शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फ्लोरेंस में रिवर टू रिवर फेस्टिवल, बुकियन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल, ऑस्टिन फिल्म महोत्सव और पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शामिल है। महिंद्रा स्कॉर्पियो आज भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही है। इस एसयूवी को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के चीफ आनंद महिंद्रा काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आनंद महिंद्रा इस गाड़ी को लेकर ट्विटर पर लगातार कुछ न कुछ पोस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आनंद महिंद्रा के ट्वीट्स कड़े रोचक किस्म के होते हैं और इसलिए वायरल भी खूब होते हैं। झारखंड बोर्ड के 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स के नतीजे कल जारी हो सकते हैं। हाल ही में बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं साइंस साइट का रिजल्ट जारी किया था। बोर्ड के करीबी सूत्रों ने बताया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी कर रखी है। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके चलते उनके खेलने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि उनके कवर के तौर पर मयंक अग्रवाल को टीम के साथ जोड़ लिया गया है। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को कप्तान रोहित शर्मा के कवर के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ एडबस्टन टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण रोहित का इस टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। वादा खिलाफी कैसे की जाती है, ये कोई पाकिस्तान रेलवे से सीखे। दोस्ती यारी में भारत से पाकिस्तान के लिए शुरू की गई समझौता एक्सप्रेस के बंद होने के बाद ये देश इस ट्रेन के 10 कोच पर कुंडली मार कर बैठ गया है। धड़ल्ले से वो इन कोचों का इस्तेमाल कर रहा है। बीते 3 साल में ये कोच पाकिस्तान रेलवे ने अड़ा कर रखे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया। जैकलिन से ईडी इस मामले को लेकर कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन से पहले भी कई बार पूछताछ कर उनके बयान को दर्ज कर चुका है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ दिन पहले ही कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। हाल ही में एनडीए गठबंधन ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, जिसके बाद एक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है कि मुर्मू के पैतृक गांव में बिजली नहीं है और उनके रिश्तेदार केरोसिन के तेल से दीपक जलाकर रहते हैं। उत्तर भारत के मौसम में आज से एक बार फिर से बदलाव दिखाई देगा। राजधानी दिल्ली में सोमवार से मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज यानी 27 जून को आंशिक बादल छाए रहने के आसार थे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 जून से 2 जुलाई तक गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने रविवार को अग्निपथ योजना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिशों में जुटा है। इसी क्रम में चीन ने मंगलवार को 29 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजे हैं, लेकिन ताइवान चीन की इस हरकत से नहीं डरा, बल्कि उसने उल्टे अपने जहाजों से चीन की एयरफोर्स को खदेड़ दिया है। अगर आपने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अभी भी समय है। आप अंतिम तारीख पार होने से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे आप बेवजह की परेशानी से भी बचेंगे और फाइन के रूप में अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। आपको 31 जुलाई 2022 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लेना है। देश के किन राज्यों में बिजनेस करना आसान है और कहां निवेशकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसका पता जल्द ही चल जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय गुरुवार 30 जून को इसकी सूची जारी कर सकता है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि अहमदाबाद में 1 जुलाई को आयोजित की जाने वाली भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कम से कम 25,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। 2 साल के अंतराल के बाद शहर में पूर्ण रूप से रथ यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण ये वृहद धार्मिक आयोजन सीमित तौर पर हुआ था।
राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जुलाई के दूसरे सप्ताह में कोलकाता आ सकती है। कोलकाता में वो चुनाव प्रचार के लिए आएंगी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांगेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है बधेल गदरिया, मिथिलेश कुमार, विनोद कुमार, अखिलेश कुमार, सुनील कुमार, संजय कुमार, नीतीश कुमार निराला। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के राष्ट्रपति के रूप में किसके जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।